दोस्तों, आज तक आपने सुना है कि भारत का इतिहास 6000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरू हुआ था, राइट? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस थियरी को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं बल्कि आज के भारत से करीब 3 से 4 गुना बड़ा कॉन्टिनेंट था। तो आखिर इतना बड़ा कॉन्टिनेंट कहाँ गायब हो गया? क्या है इस कॉन्टिनेंट की कहानी? चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। देखिए, 19th सेंचुरी में अमेरिका और यूरोप के कुछ साइंटिस्ट ने भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल इक्वालिटी को लेकर एक रिसर्च करते हुए 2 कॉन्टिनेंट का पता लगाया था, जिनका नाम था लेमूरिया और म्यू। आज हम आपको इन्हीं में से एक कॉन्टिनेंट लेमूरिया के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के कई शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, वैसे ही आज से हजारों साल पहले भी धरती के कई हिस्से पूरी तरह डूब गए थे, जिस पर साइंटिस्ट की खोज आज भी जारी है। इनमें से अब तक कुछ के बारे में तो पता चल सका है, और बताया जाता है कि इन कॉन्टिनेंट्स के शहर काफी डेवलप हुआ करते थे, शायद हमसे भी ज्यादा। लेकिन किसी समुद्री हलचल के चलते ये शहर पूरी तरह गायब हो गए। फिलिप्स कार्टर नाम के एक जूलॉजिस्ट ने इन्हीं में से एक कॉन्टिनेंट का नाम लुमेरिया रखा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कॉन्टिनेंट को हमारे यहाँ पर तमिल लिटरेचर में कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कुमारी कांतम और कुमारी नाडु के नाम से भी बोला जाता है। वहीं कई जगह तो ये दावा किया जाता है कि हो ना हो यही रावण की लंका भी थी। फिलिप्स क्लेटर ने अपनी बुक द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में वानरों के जीवाश्म यानी कि लेमर फॉसिल्स मिलने के बारे में जिक्र किया है। यही कारण है कि इसे राम की वानर सेना और लंका से भी जोड़कर देखा जाता है। साउथ इंडिया की कल्चर में कुमारी कंदम का कई जगह जिक्र भी मिलता है। कुमारी कंदम की थ्योरी को सच बताने के लिए राम सेतु को सबसे ऑथेंटिक एग्जाम्पल के रूप में पेश किया जाता है। राम सेतु तमिलनाडु के पंबन आइलैंड से श्रीलंका के मन्नार तक जाता है, जिसकी लंबाई करीब 50 किलोमीटर है, और बताया जाता है कि यह पुल चूना पत्थर, रेत और गाद से मिलकर बना है, जिसे रामायण के अकॉर्डिंग नल और नील ने बनाया था। कुमारी कंदम को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कई जगह इसे इंडिया के प्राउड से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि दावों के अनुसार कुमारी कंदम के पांडियन राजा इस पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के रूलर थे। और इसी बेसिस पर आज हम तमिल सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भी मानते हैं। वैसे तमिल माइथोलॉजी में बताया जाता है कि कुमारी कंदम के डूबने से पहले यहाँ पर पांडियन राजाओं का राज था, लेकिन समुद्र जब उनसे नाराज हो गए तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ की जमीन 49 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिन्हें 7 नारियल क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। बताया जाता है कि ये सारा एरिया यानी कि जंगल और बस्तियां सब एक साथ समुद्र में डूब गए थे, जिसमें आज का कोलम और कन्याकुमारी के भी कुछ पार्ट शामिल थे। कुमारी कंदम लिटरेचर में एक ट्रेडिशन के बारे में डिटेल्स मिलती है। इस ट्रेडिशन के अनुसार पांडियन राजा ने इस जगह अपनी जनता की नॉलेज को बढ़ाने के लिए 3 संगम आयोजित किए थे। पहला संगम पांडियन राजा की राजधानी मदुरई में हुआ था। संगम काल के दौरान कुमारी कंदम तमिल लिटरेचर के डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण सेंटर भी था। कुमारी कंदम में 3 संगम हुए, जिनमें तमिल पोएट्स ने अपनी नई नई पोयम को पेश किया था, और बताया जाता है कि इस दौरान 4000 से अधिक पोएट्स ने अपनी पोयम को पेश किया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि कुमारी कंदम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से आगे था। अगर इसके एरिया की बात करें तो नॉर्थ में कन्याकुमारी से लेकर वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, जबकि ईस्ट में मेडागास्कर तक ये फैला हुआ है। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि ये आज के भारत से 3 से 4 गुना बड़ा था। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आज से 14,500 साल पहले सी का लेवल आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था, वहीं 10,000 साल पहले ये 60 मीटर नीचे था। इसलिए पूरी तरह से पॉसिबल है कि धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ता चला गया और कॉन्टिनेंट पूरी तरह से डूबता चला गया। बताया जाता है कि ये कॉन्टिनेंट करीब 1,00,000 साल पहले अस्तित्व में आया था। रिसर्चर कॉल्टन के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट के लोग काफी लंबे होते थे। तमिल हिस्टोरियन के मुताबिक जब कुमारी कंदम पूरी तरह जलमग्न हुआ तब ये 49 टुकड़ों में बंट गया था, और जो लोग बच गए वहां से माइग्रेट कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरी दुनिया में फैल गए, जिससे कई नई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। कुछ रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है।
जिसमें कहा गया है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम लेमूरिया बंदर और गिलहरी के नाम पर रखा गया है जो यहाँ भारी संख्या में मिलती थी और यहीं से भारत के दूसरे एरिया में फैल गए। दोस्तों और भी कई आर्कियोलॉजिकल डेटा इस बात का प्रूफ देते हैं कि हजारों साल कुमारी कंदम नाम का एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। द मरीन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स गोवा द्वारा किए एक रिसर्च के अनुसार तमिलनाडु के पुंपुगढ़ शहर का मैक्सिमम पार्ट 300 बीसी के आसपास कटाप और सुनामी से बह गया था और इस शहर के समय यहां से मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने 4th सेंचुरी बीसी के पुराने मिट्टी के बर्तनों की खोज भी की थी। मेगास्थनीस ने अपनी किताब में एक इस शहर के बारे में जिक्र भी किया है। उनके मुताबिक ये शहर भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद था। अब जियोलॉजिकल सर्वे से भी पता चला है कि जहां आज कुमारी कंदम होने का दावा किया जाता है वहां समुद्र की मिनिमम गहराई 200 मीटर है। वहीं कुछ जगहों पर समुद्र की मैक्सिमम गहराई 2000 मीटर है। जहां समुद्र की गहराई कम है माना जाता है कि वो जगह धीरे धीरे वापस भी आ सकती है। जी हाँ, इसके साथ ही कुछ रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ट्राइबल द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज तमिल की तरह ही बोली जाती है, जिससे पता चलता है कि किसी न किसी समय में ये आपस में जरूर जुड़े होंगे। अफ्रीका और मेडागास्कर में मौजूद प्लांट और एनिमल्स भारत जैसे ही हैं। 1999 में इंडियन ओशियन में जॉइंट रेजोल्यूशन रिसर्च वेसल द्वारा ड्रिलिंग से इस बात के कई प्रूफ मिले कि ऑस्ट्रेलिया के आकार एक कॉन्टिनेंट लगभग हजारों साल पहले डूब गया था। यहाँ कई सैंपल भी लिए गए जिसमें हजारों साल पुराने लकड़ी और पॉलन के एविडेंस मिले हैं। आपको बता दें कि पॉलन एक पॉटरी सब्सटेंस होता है जो कि फूल में पैदा होता है। जब फूल पर मधुमक्खियां बैठती हैं तो इसके जरिए ही हनी बनता है। दोस्तों हालांकि तमिल लिटरेचर में जिस तरह से कुमारी कंदम को लेकर दावा किया जाता है तो साइंटिस्ट अभी भी इसको पूरी तरह से सच नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया में कई और ऐसे शहरों के बारे में पता चला है जो अपने समय में काफी डेवलप थे लेकिन आज से हजारों और सैकड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों में खो गए। तो चलिए कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हेरास्लोइन शहर का। ये इजिप्ट का एक पुराना शहर हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था। हिस्टोरियन हेरोटॉज के अकॉर्डिंग ये शहर बेशुमार दौलत के लिए मशहूर था। गोताखोरों को यहां से कुछ खजाना भी मिल चुका है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सिकंदर के शहर अलेक्जेंड्रिया का। बताया जाता है दोस्तों कि आज से करीब 1500 साल पहले भयानक भूकंप के कारण ये समुद्र में समा गया था। आज भी पानी में इसके खंडहर मौजूद हैं, जो इस शहर की विरासत को बयां करते हैं। यहाँ से सिकंदर की कई मूर्तियां भी मिली हैं। आज के समय में अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। यहीं से इजिप्ट का 80% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ ही नेचुरल गैस और ऑयल पाइपलाइन यहीं से गुजरती है, जिसके कारण ये एरिया इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। अब ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। इसके अलावा चीन के झेजियांग में लगभग 1300 साल पुराना शी चेंग नाम का शहर हुआ करता था, जो 1950 के डिकेड में झील में डूब गया था। इस शहर को लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि ये शहर चीन के सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक था। आज भी इस शहर के खंडहर पानी के अंदर बिल्कुल सही स्थिति में है। चीन की सरकार ने यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट को भी परमिशन दे दी है। अब दोस्तों मिस्र के पिरामिड तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन कभी समुद्र के अंदर कोई पिरामिड देखा है? दरअसल कुछ सालों पहले जापान में एक टूरिस्ट गाइड ने समुद्र के अंदर मौजूद इन पिरामिडों को खोजा था। ये पिरामिड समुद्र के अंदर योनगुनी शहर में मिला है। जापान के इस शहर की खोज कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन अभी इस शहर के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। 1986 में गोताखोरों की एक टीम को ये पिरामिड मिले थे। पानी के अंदर बने ये पिरामिड 10,000 साल से ज्यादा पुराने हैं। बताया जाता है कि 12,000 बीसी इसे जोमेन लोगों ने बनाया था। दोस्तों लगभग 2 डिकेड पहले भारत की खंबात की खाड़ी में एक शहर मिला था, जिसे खंबात का खोया हुआ शहर कहा जाता है। बताया जाता है कि यह शहर लगभग 9500 साल पहले ही समुद्र में डूब गया था। एक्सपर्ट ने इसे साल 2002 में खोज निकाला। हालांकि ये पूरा पानी में डूब चुका है, लेकिन ये अभी भी रहस्य ही है कि ये आखिर कैसे डूबा। तो इन डूबे हुए शहरों में अटलांटिस शहर वैसे काफी फेमस है, जिसका जिक्र प्लेटो की कहानियों में जरूर मिल जाता है। माना जाता है दोस्तों कि 2500 साल पहले दुनिया में अटलांटिस नाम का एक शहर हुआ करता था, जो बेहद खूबसूरत और काफी बड़ा था। समुद्र में डूब चुके इस रहस्यमय शहर को पूरे यूरोप का सेंटर माना जाता रहा था। प्लेटो के मुताबिक ये शहर एशिया से भी काफी बड़ा था। इस शहर को लेकर कई तरह के रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धरती पर कोई अटलांटिस शहर भी हुआ करता था। अब तो फ्यूचर में ही ये पता चल पाएगा कि क्या सच में अटलांटिस शहर था या ये सिर्फ एक कल्पना ही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कुमारी कंदम और इन खोए हुए शहरों के बारे में जानकारी?
जानकारी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।